साथ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और सीधे बुलेटिन की शुरुआत में चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये राज्यों के सहयोग से और तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है और उसके लिए भारत सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सके, और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो प्रयास प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश का बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें आपने देखा होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हम लोगों के रोड मैप तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरे सभी विभागों को, अन्य संबंधित सेक्टर को 10 सेक्टर में हमने विभाजित किया। हर एक सेक्टर में कोई हमारा एक वरिष्ठ मंत्री उस सेक्टर की निगरानी कर रहा है। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ, उस फील्ड से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका सहयोग इसके लिए लिया जा रहा है। और स्वयं सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मैं इसकी समीक्षा करता हूं, और उसकी नियमित समीक्षा के साथ साथ कौन से सेक्टर में कमी है, किस सेक्टर में कहां पे पुशअप करने की आवश्यकता है, उसके लिए उस प्रकार की कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। इसमें जो 10 महत्वपूर्ण सेक्टर बनाए गए हैं, इन महत्वपूर्ण सेक्टर्स में हम लोगों ने जो अलग अलग कार्य योजना बनाई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का, हाईवे का एक बेहतरीन जाल बिछ चुका है। हमारे पास पहले से यमुना एक्सप्रेसवे थी। जिस समय 17 में हम लोग आए थे, तब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अपने बनने के अंतिम चरण की ओर थी। पिछले 7 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कई एक्सप्रेसवे बनाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी और केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया, जिसमें दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये अपने यातायात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी को जोड़ने का, बुंदेलखंड को जोड़ने का एक माध्यम बना है, जो वहां की अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन बनकर के आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बीजीएफ के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने धनराशि की मांग भी की है। हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में हम गंगा एक्सप्रेसवे को, उससे पहले मेन कैरिजवे को बना करके तैयार करें, और दिसंबर 2024 का हम लोगों ने टारगेट दिया है कि मेन कैरिजवे को आप इसको बना करके तैयार करिए, जिससे प्रयागराज कुंभ के दौरान इसका उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए और प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक बेहतरीन माध्यम मिल सके। इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर से फरुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नई एक्सप्रेसवे पर कार्य हमारा बहुत शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। सर्वे के कार्य पूरे हो चुके हैं, इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है।